वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर। तो आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर फोर्थ की। तो जिनका भी यूपी एनएचएम एमपी एनएचएम सीएचओ या फिर अदर स्टेट सीएचओ जीएमसी एग्ज़ाम होता है तो उन सभी के लिए क्लास हेल्पफुल रहेगी। तो आज की क्लास में जो मोस्टली क्वेश्चन होंगे हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के होंगे, जिसमें आपका पब्लिक हेल्थ नर्स और जो कम्युनिटी की बेसिक प्रॉब्लम्स वो यहाँ पर कवर की जाएंगी। एज़ ऑन जिनका भी सिलेबस आपने यदि चेक नहीं किया है यूपी एनएचएम वालों ने, तो प्लीज़ चेक कर लें। आपको उसके अकॉर्डिंग क्लासेस होंगी जो पूरे क्वेश्चन सेट करवा दिए जाएंगे कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए आप ऑफिशियल ऐप मेडिकल एंड नर्सेज हब की उस पर जाके पेपर्स ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी पेपर्स को परचेस कर सकते हैं एज यू विश, जहाँ से आपको ईजी लगे। अदरवाइज जो लोग पेपर परचेस नहीं कर पाते हैं तो उनको सभी पेपर फ्री में चैनल पर अपडेट कर दिए जाएंगे, डोंट वरी। चलिए आज की क्लास की हम है जो स्टार्ट करने के पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग जिस भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी स्टेट के पेपर फर्स्ट चेक करें, आप अदर स्टेट के पेपर्स भी देख सकते हैं। यदि आप, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप पीडीएफ लें, मैं इस बात इसलिए कह रही हूँ कि आपका जो सिलेबस है एज एन एनएचएम की हम बात करते हैं स्पेशली, तो आपको यूपी एमपी बिहार कहीं का भी एनएचएम एग्ज़ाम देते हैं, स्टाफ नर्स एग्ज़ाम देते हैं आपको, टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन वही आते हैं। और उसका यदि आपने कहीं का भी पेपर दिया, जैसे मैंने लास्ट टाइम त्रिपुरा वालों से कहा था कि आप पेपर्स चेक कीजिए, जिन्होंने भी पेपर्स पुराने चेक किए उनका अच्छा स्कोर गया है एटलीस्ट, तो आप लोग भी एक बार कोशिश करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। ओनली 2 आवर में आप पूरे पेपर्स हैं जो चेक कर सकते हैं, आपको जहाँ से भी अरेंज हो जाए। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और ये एनएम वालों के लिए क्लासेस सेपरेट 30 मिनट की स्टार्ट कर दी गई है चैनल पर, तो आप जो भी लोग देखना चाहते हैं उस क्लास को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, Which of the following indicator is not used to calculate the Human Development Index? HDI को कैलकुलेट करने के लिए, Human Development Index को कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ नहीं किया जाता है? Life expectancy, Education, Per Capital Income या फिर Social Inequality, क्या चीज़ है जो यहाँ पर यूज़ नहीं की जाती है, किसके लिए? HDI के लिए। तो जो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा HDI इंडेक्स के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, वो है यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी। क्या है? सोशल इनइक्वालिटी। तो सबसे पहला HDI इंडेक्स है, याद रखें, यदि फर्स्ट HDI इंडेक्स पूछते हैं आपसे, 1990 में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने क्रिएट किया था। लेकिन आफ्टर दैट हर साल जो HDI की रिपोर्ट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि HDI इंडेक्स का जो अलग अलग देशों का HDI इंडेक्स है, कौन पब्लिश करता है रिपोर्ट? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, याद रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो HDI इंडेक्स की रिपोर्ट है, हर साल कौन रिलीज़ करता है? UNDP। इसमें यहाँ पर तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स भी यही रिलीज़ करेगा। लेकिन यहाँ पर जो HDI है किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मतलब जिस देश का HDI इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो देश उतना क्या है, सक्सेसफुल है, मतलब अच्छी ग्रोथ हो रही है वहाँ की। तो ये डिपेंड करता है आपके लाइफ स्पेन पर, पर कैपिटल इनकम पर, एजुकेशन पर। तो ये क्या हो गए? HDI इंडेक्स के कंपोनेंट्स हो गए। अब यहाँ पर 2022 की बात करते हैं हम, तो सबसे अच्छा HDI यदि हाई रैंक जाती है HDI इंडेक्स की, मतलब क्या है, वो देश हर एक चीज़ में सक्षम है, पर कैपिटल इनकम अच्छी है, रहन सहन अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है, तो जो कि नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड सबसे हाईएस्ट HDI रैंकिंग में रहे हैं 2022 की जो रिपोर्ट आई है UNDP ने रिलीज़ की है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर सबसे लोएस्ट की बात करते हैं हम, तो नाइगर, साउथ सूडान, अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सब क्या है, लोएस्ट में आएंगे। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया क्या डेवलपिंग कंट्री है, यदि बात करते हैं कि डेवलपिंग कंट्री का HDI कैसा होगा, तो यहाँ का हाई नहीं होगा, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। स्पेशली इंडिया के बारे में हम बात करें तो इंडिया है जो, इसकी जो रैंक है वो क्या हो गई है, 132 आई है।
आउट ऑफ 191 कंट्रीज़ की जो लिस्ट रिलीज़ की गई थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक कितनी आई है, 132, 191 देशों में से ये कितनी आई है, 32। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें कि इसका जो HDI यदि हम निकालते हैं HDI इंडेक्स का, तो इसकी जो नंबरिंग है वो कितनी होती है वो आपको एग्ज़ाम में बात करें मेजरिंग की, तो ये होता है 0 to 1 में। HDI पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है UNDP की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 130 था 2020 में, लेकिन अभी ये कोविड के बाद है जो क्या हो गया है, कोविड-19 के बाद कितना हो गया, 132 हो गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, द वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल्स आर स्टोर्ड इन, तो जो वैक्सीन का स्टोरेज है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में PHC में कहाँ पर स्टोर करके रखी जाती हैं, आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर में, वॉक इन कोल्ड रूम में या फिर कोल्ड बॉक्सेस में। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में PHC में जो वैक्सीन स्टोर करके रखी जाती हैं ILR में, आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कितना टेम्परेचर पे सेट करके रखी जाती हैं, तो वो होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस आइसलाइन रेफ्रिजरेटर। यदि टेम्परेचर की बात करते हैं हम, तो डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -15 to 25 डिग्री सेल्सियस, -15 to 25 डिग्री सेल्सियस। ओरल पोलियो वैक्सीन का यदि आपको एग्ज़ाम में आता है तो वो होता है -20 डिग्री सेल्सियस, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे यदि वैक्सीन का स्टोरेज कहें हम, कितना होगा यहाँ पर, -20 डिग्री सेल्सियस। वॉक इन कोल्ड रूम मतलब जो वैक्सीन आप लेके चलते हैं कहीं पर भी, 4 to 6 vial लेके जाना है गवर्नमेंट की मेडिकल शॉप में, तो वहाँ पर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। कोल्ड बैग्स और वैक्सीन कैरियर जनरली वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कम वैक्सीन लेके जाना है आपको सब सेंटर पे, यदि आपको वैक्सीन लेके जाना है तो कोल्ड बॉक्स या फिर वैक्सीन कैरियर लेके आप जा सकते हैं। जैसे आपने OPP पिलाने वाले ओरल पोलियो वैक्सीन जब पिलाई जाती है स्कूल वगैरह में या फिर किसी गवर्नमेंट सेंटर में बाहर बिठा के जो पिलाते हैं ANM या फिर स्टाफ नर्स वाले, वो इस तरीके का कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर है जो यूज़ करते हैं। तो ये किसके लिए, सब सेंटर के लिए। तो मेनली आपको याद रखना है PHC में पूछे तो आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में 2 to 8 डिग्री के सेल्सियस में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूछे तो -20 डिग्री पे, और जो OPP है तो वो भी -20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखी जाती है। नेक्स्ट वन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक और असिस्ट द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा कोल्ड चेन का टेम्परेचर चेक करने के लिए, इलेक्ट्रिक थर्मामीटर, डायल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर या फिर थर्मामीटर। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा कोल्ड चेन का टेम्परेचर चेक करने के लिए, कोल्ड चेन का मतलब है कि वैक्सीन प्रॉपर तरीके से स्टोर है या नहीं, ख़राब तो नहीं हो रही है, उन सभी चीज़ों के लिए, तो क्या है, डायल थर्मामीटर इस तरीके से रहेगा ये, जो कि कोल्ड चेन का टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन, विच डाइल्यूशन इज़ यूज्ड इन मीजल्स वैक्सीन, तो मीजल्स वैक्सीन ड्राई फॉर्म में है तो कौन सा डाइल्यूशन यूज़ किया जाएगा उसको डाइल्यूट करने के लिए, डिस्टिल वाटर, वाटर, नॉर्मल सलाइन या फिर ग्लूकोज 5%। तो मीजल्स वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए हमेशा 9 महीने जब कम्प्लीट एज हो जाए तब दी जाती है वैक्सीन, सेकेंड डोज में 3 महीने का गैप दिया जाता है। मीजल्स वैक्सीन के लिए जो डाइल्यूशन यूज़ होगा वो होता है डिस्टिल वाटर, कौन सा, डिस्टिल वाटर। हमेशा मीजल्स वैक्सीन यदि रिकॉन्स्टिट्यूट डाइल्यूट फॉर्म में रखी है तो ओनली 4 आवर तक ही यूज़ करना है, इसके बाद यूज़ नहीं करना है। कभी भी 4 घंटे से ज़्यादा यदि आपने डाइल्यूट करके रख ली वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन 4 घंटे से ज़्यादा हो जाती है तो नहीं देना है, अदरवाइज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डेवलप होगा स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के कारण। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मीजल्स वैक्सीन में यदि आपने डिस्कार्ड नहीं की वैक्सीन 4 घंटे से ज़्यादा का, रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया, डाइल्यूशन हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्कार्ड करना, और यदि वैसे ही आपने लगा दी, इंजेक्ट कर दी, तो मरीज को टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होगा, किस बैक्टीरिया की ग्रोथ से, स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ के कारण है। तो यदि आप जो टर्म बेबी हैं उनकी कोहनी को चेस्ट तक लेके जाएंगे तो उनमें कुछ रेसिस्टेंस लगेगा, बच्चा इवन रोना भी स्टार्ट कर देगा, लेकिन जो प्रीटर्म बेबी होते हैं उनमें ऐसा नहीं होगा। तो ये कौन सा साइन यहाँ पे बताया जा रहा है,
जो प्रीटम इन्फेंट्स में है, एल्बो में इजीली ब्रिंग अक्रॉस द चेस्ट विथ नो रेसिस्टेंस, इट्स नोन एज द स्कार्प साइन। इस तरीके से देखिए कि जो प्रीटम इन्फेंट है उसकी जो एल्बो है इजीली बिना किसी रेसिस्टेंस के चेस्ट तक पहुंच जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्कार्प साइन। और जनरली प्रीटम बेबीज में ही देखने को मिलेगा। प्रीटम बेबीज ऐसे बेबी जो बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक के ही डिलीवर हो गए हों। नेक्स्ट है यहाँ पर द वेलिंगटन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम और स्पोर्ट। तो वेलिंगटन ट्रॉफी किस गेम से रिलेट करती है, हॉर्स रेसिंग से, रोइंग से, बास्केटबॉल से या फिर कार रेसिंग से। तो आपको जो 20% सेक्शन आने वाला है नॉन नर्सिंग से, तो उसमें आपको कुछ भी है जो आ सकता है। तो यहाँ पर आपको अपनी तैयारी करके एग्ज़ाम में जानी है। अब यहाँ पर जो वेलिंगटन ट्रॉफी है किस गेम में दी जाती है, रोइंग में, किसमें दी जाती है, रोइंग गेम में। नेक्स्ट है यहाँ पर विच क्रैनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। अब यहाँ पर आपको पूरी 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व आती है। कितनी क्रैनियल नर्व है, 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व। तो 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व है, इनके फंक्शन आपको याद करके जाना है। तो यहाँ पर जो क्रैनियल नर्व सेंस के लिए, सूंघने के लिए, सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी है, ऑल्फैक्टरी क्रैनियल नर्व। कौन सी है यहाँ पर, ऑल्फैक्टरी क्रैनियल नर्व। जो वेस्टिवो कोक्लियर है आपके बॉडी बैलेंस को सुनने में हेल्प करेगी, स्पेशली जो कोक्लियर पार्ट है बॉडी बैलेंस में हेल्प करेगा आपकी। ऑप्टिक नर्व है जो आपकी विजन के लिए हेल्पफुल रहेगी। और जो ऑल्फैक्टरी नर्व है, क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व है टेस्ट के लिए है जो रिस्पॉन्सिबल होगी। स्मेल के लिए यहाँ पर क्या होगी, तो स्मेल के लिए है यहाँ पर ऑल्फैक्टरी नर्व। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है कि ऑल्फैक्टरी नर्व के लिए ही, जो ऑल्फैक्टरी नर्व है इसको फर्स्ट क्रैनियल नर्व भी कहा जाता है। और जो पूरी 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व है इनके नाम आप जरूर याद रख के जाएं। फंक्शन आपको इनके मिक्स्ड भी याद रखना है, सेंसरी फंक्शन भी याद रखना है, कौन सी बड़ी नर्व है, कौन सी छोटी नर्व है। तो मैंने जो सेकंड चैनल है उस पर आपके लिए ऑलरेडी एक क्लास ली थी, 5 मिनट की क्लास थी, जिसमें आपको बॉडी के स्मॉल और बिगेस्ट ऑर्गन के बारे में बताया था और नर्व के बारे में बताया था कि छोटी कौन सी बड़ी कौन सी। और यहाँ पर छोटी बड़ी के साथ साथ आपको वहाँ पे एटलीस्ट 100 questions आपके रेडी हो जाएंगे 5 मिनट की क्लास में, तो आप जाके उसको एक बार ज़रूर देख लेना। जो क्रैनियल नर्व स्मेल के लिए, किसके लिए, सूंघने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सी, ऑल्फैक्टरी क्रैनियल नर्व। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन विच कंडीशन द फोटोथेरेपी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट। फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो फोटोथेरेपी किसके लिए यूज़ की जाती है, फोटोथेरेपी यूज़ की जाती है जॉइंटिस के लिए। अब यहाँ पर आपको फोटोथेरेपी से 4-5 questions बनते हैं। जो फोटोथेरेपी की लाइट्स होती हैं उनसे क्वेश्चन बनेगा, फोटोथेरेपी क्यों दी जाती है, तो फोटोथेरेपी दी जाती है जॉइंटिस के बच्चों को, इसके लिए जॉइंटिस के जो बच्चे होंगे स्पेशली जब उनमें ब्लूरूबिन का लेवल हाई रहेगा, तब है जो फोटोथेरेपी के थ्रू उस ब्लूरूबिन लेवल को क्या किया जाएगा, बॉडी से एक्सक्रीट करवाया जाएगा, तो यहाँ पर एब्जॉर्ब करवाया जाएगा सॉरी। तो यहाँ पर जो फोटोथेरेपी है यूज़ होगी किसके लिए, जॉइंटिस ट्रीटमेंट के लिए। अब जॉइंटिस ट्रीटमेंट में जब फोटोथेरेपी यूज़ की जा रही है, तो फोटोथेरेपी देते टाइम बेबी के कौन से बॉडी पार्ट्स को कवर करके रखना है, तो हमें आइस को और जेनाइटल ऑर्गन्स को बेबी के कवर करके रखना है। इसके लिए आइस और जेनाइटल ऑर्गन्स को हमें कवर करके रखना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर नियर साइटेडनेस इज ऑल्सो नोन एज, नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष क्या है, नियर साइटेडनेस के लिए क्या कहा जाता है, मायोपिया, प्रिसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर कैटरेक्ट। तो जो टर्म यूज़ किया जाता है नियर साइटेडनेस के लिए वो क्या है, मायोपिया। प्रिसबायोपिया का मतलब है, इसका मतलब होगा कि जो लेंस है आपकी आईज के उनमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, जिसके कारण आपको जो प्रिसबायोपिया है इसमें भी पास की चीज़ें हैं जो प्रॉपर नहीं दिखाई देगी, तो क्या है, प्रिसबायोपिया। नेक्स्ट है यहाँ पर विच अमंग दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब इनको आप, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होगा जो आपने यदि ज़मीन में दफना दिए तो कुछ टाइम के बाद उनका डिग्रेडेशन आपको देखने को मिलेगा, कंपोस्ट टाइप से बन जाएंगे, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, फूड वेस्टेज, डेड एनिमल्स, पॉलीथीन बैग्स या फिर पेपर।
तो आप ज़मीन में फूड वेस्टेज को, चाहे वो डेड एनिमल्स हो या फिर पेपर्स को दफनाएंगे, तो कुछ टाइम के बाद उनका उनको आपके लिए क्या देखने को मिलेगा, कंपोस्ट टाइप से बने हुए देखने को मिलेंगे। डेड एनिमल्स की ओनली हड्डी मस मिलेंगी, बोन्स मिलेंगी, फूड वेस्टेज पूरा कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो क्या है, पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैग्स को आप अभी से अपने घर के बाहर 10 साल पहले फेंके होंगे और यदि ज़मीन में दब गई होगी, अभी यदि निकलेगी तो वही सेम उसी स्थिति में निकल के बाहर आएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन इज द, ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ नाइट्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो पहली पंचवर्षीय योजना, तो आपको पूरी पंचवर्षीय योजना याद करके जानी है। और जब पंचवर्षीय योजनाएं ख़त्म हो गई थी, आई थिंक 2017 में लास्ट जो 12 मेंबर की 5 ईयर प्लान थी वो ख़त्म हो गई थी, उसके पहले ही नीति आयोग आ गया था, तो वो यही सब काम देखता था जो कि पंचवर्षीय योजना में होते थे। तो जो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था, क्या था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, तो यहाँ पर जो पहला 5 ईयर प्लान था वो कब आया था, तो वो आया था 1951 से 1956 के बीच में। कब आया था, 1951 से 1956 के बीच में। यहाँ पर आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या है जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पंचवर्षीय योजनाएँ, आपको पंचवर्षीय योजनाएँ याद रखना है। तो जो 5 ईयर प्लान्स हैं कब तक रहे हैं और टोटल कितनी रही, तो टोटल की बात करें तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं। एंड देन यहाँ पर जब 12वीं पंचवर्षीय योजना रही है तो 2017 तक ही रही है, 2012 से 2017 तक। फर्स्ट आई थी 1951 से 1956 तक, जिसमें प्राथमिकता दी गई थी कृषि, बिजली और सिंचाई। सेकेंड आई थी 1956 से 61 तक, तो इसमें पूरे तरीके से जो उद्योग है, बिजनेस है, उस पर है जो काम किया गया था। तो यहाँ पर पूरी योजनाएं और एक कब आई थी, इनका मेन एम क्या रखा गया था, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच टाइप ऑफ फैमिली कम्स अंडर द मेल हेड ऑफ द फैमिली पोसेसिंग ऑल पावर्स। तो कौन सी फैमिली है, ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें फैमिली का जो हेड है वो कौन है, मेल है, और वही पूरे पावर से मतलब सभी चीज़ों को सही तरीके से कंट्रोल करने का काम करेगा। न्यूक्लियर फैमिली में हो गए, मैट्रियार्चल फैमिली में होगा, जॉइंट फैमिली में होगा या फिर पैट्रियार्चल फैमिली में होगा। तो ये चीज़ें होंगी किस तरीके की फैमिली में, तो ये चीज़ें होंगी जिसमें मेल हेड होगा फैमिली का हर एक काम के, जिसमें मेल हेड के पास पूरी पावर होंगी तो वो कहलाती पैट्रियार्चल फैमिली। आपके फैमिली में ही देख लीजिए, आपके पापा, आपके फादर हैं जो हर एक चीज़ की पावर रखते हैं, यदि इंडियन कल्चर की हम बात करें तो। और यहाँ पर जो जॉइंट फैमिली है, जैसे ऐसे फैमिली जिसमें एक दादा है, उनके 4 बच्चे हैं, उन बच्चों के बच्चे, बीवी, सभी एक साथ रहें, तो वो कहलाएगी जॉइंट फैमिली। इसमें दादा, दादी, चाचा, चाची सब लोग एक साथ रहें। न्यूक्लियर फैमिली में ओनली मम्मी, पापा और उनके बच्चे रहें, तो वो कहलाएगी न्यूक्लियर फैमिली। मैट्रियार्चल फैमिली में यहाँ पर जो क्वेश्चन, इसके अपोजिट हो जाएगा कि फीमेल हेड है जो पूरी फैमिली की पावर रखेगी, वो होगा यहाँ पर मैट्रियार्चल फैमिली। पूरे फैमिली के डिसीजन कौन लेगा, यदि मदर लेती है तो वो होगा मैट्रियार्चल फैमिली, और यदि फादर लेते हैं वो हेड लेगा फैमिली का, मेल हेड, वो कहलाएगी पैट्रियार्चल फैमिली। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द कपल हु आर मैरिड इन द रिप्रोडक्टिव एज इज नोन एज। तो कौन से कपल कहलाएंगे जो रिप्रोडक्टिव एज में शादी करेंगे, तो 15 से 45 साल तक की जो एज ग्रुप रखी गई है वो यहाँ पर कपल आ जाएंगे, 15 to 45 years तक के। ऑप्शन में फोकस्ड कपल, अनफोकस्ड कपल, नॉन एलिजिबल कपल या फिर एलिजिबल कपल। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में यदि जो कपल शादी करता है तो वो कहलाएगा एलिजिबल कपल, एज होती है 15 to 45 years। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट दैट द एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम सुपीरियर। कौन सा मैनेजमेंट का यहाँ पर प्रिंसिपल है जिसमें कोई भी जो एम्प्लॉय है वो किसका ऑर्डर मानेगा, अपने सुपीरियर का। मैनेजमेंट में यदि जो एम्प्लॉय है वो अपने मैनेजर की बस बात सुनता है, सुपीरियर की बात सुनता है, तो वो कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा यूनिटी ऑफ कमांड। क्या कहलाएगा, यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन दैट अकर्स इन नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस का मतलब है किडनी स्टोन। क्या है,
नेफ्रोलिथियासिस का मतलब है किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन का जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो कौन सा होता है? स्ट्रोटिव स्टोन्स, कैल्शियम स्टोन्स, यूरिक एसिड या फिर सिस्टीन स्टोन। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में आता है किडनी स्टोन, क्या है? पथरी जमना जिसको हिंदी में कहें हम। तो किडनी स्टोन और नेफ्रोलिथियासिस मोस्टली बनेगा कैल्शियम स्टोन से। कौन से स्टोन होंगे? कैल्शियम स्टोन टाइप कौन बनते हैं नेफ्रोलिथियासिस और किडनी स्टोन? वो बनते हैं कैल्शियम स्टोन के कारण। किसके कारण? कैल्शियम स्टोन के कारण, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण सबसे ज़्यादा स्टोन बनते हैं वो इस तरीके से होंगे। यूरिक एसिड स्टोन ये सभी किडनी में बनने वाले स्टोन हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन बनता है वो बनता है कैल्शियम स्टोन। यहाँ पर ये देखिए, यूरिक एसिड स्टोन, स्टूटिव स्टोन या फिर सिस्टीन स्टोन, ये सभी टाइप दिए हुए हैं इनके। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द टर्म MRSA इन बैक्टीरियोलॉजी स्टैंड फॉर। तो बैक्टीरियोलॉजी में एक टर्म यूज़ किया जाता है MRSA, तो इस MRSA का मतलब क्या है? मेथिसिलिन रिएक्टिव स्टेफाइलोकोकस ओरियस, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस या फिर मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस एंजिनेंस या फिर मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो MRSA जो एक बैक्टीरियोलॉजी में टर्म यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होगा मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, जो कि एक बैक्टीरिया है। MRSA एग्जाम में आपको आता है MRSA। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगन्स एट प्यूबर्टी एंड इट इज टर्म्ड एज। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो है जो प्यूबर्टी में होगा, ये क्या कहलाएगा? मेनार्ची, मेनोपॉज, मेनोस्टार्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये कहलाएगा क्या? मेनार्ची। फर्स्ट है तो मेनार्ची और सिजेस्ट होते हैं, स्टॉप होते हैं तो मेनोपॉज। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पॉपुलेशन नाउंस को लेके क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कि CSC में कितनी पॉपुलेशन, एक CSC कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा? 30,000 से 50,000, 50,000 टू 70,000, 1,20,000 टू 1,90,000 या फिर 80,000 टू 1,20,000। तो एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या है? एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा? तो एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर करेगा 80,000 से 1,20,000 तक। सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर ब्लेज लेवल पर आपको सभी जगह का पॉपुलेशन नॉर्म्स है जो याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर यू आर कैरिंग आउट अ प्लान फॉर पोस्ट पार्टम वुमेन हु गेव बर्थ जस्ट अ फ्यू आवर्स एगो। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू क्लोजली मॉनिटर टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन। यदि किसी लेडी की अभी कुछ टाइम पहले ही डिलीवरी हुई है, कुछ घंटों पहले उसकी डिलीवरी हुई है, पोस्ट पार्टम वुमेन है, डिलीवरी हो गई तो किस में आ गई? वो पोस्ट पार्टम वुमेन में। तो यहाँ पर आप क्लोजली किस चीज़ को मॉनिटर करेंगे जिससे हम कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज से, सब इन्वल्यूजन से, फीवर से या फिर लोचिया से। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी पोस्टपार्टम वुमेन में क्या मेंटेन चेक करते रहना, पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। जब ब्लीडिंग मोर देन 500 ml से ज़्यादा हो जाए तब वो कहलाएगा पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ सिंपलर केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड। तो प्रोटीन एक सिंपलर सब्सटेंस से मिलके बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मिनरल्स, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, ग्लाइकोप्रोटीन्स या फिर अमीनो एसिड। तो जब प्रोटीन सिंपल केमिकल से सब्सटेंस से बनते हैं तो वो कहलाता है अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड को प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर When an individual comes in contact with an infected person and isolated for the duration of incubation period, it is referred as। तो जब कोई person, मान लीजिए आपको कोरोना हुआ है या फिर मंकी पॉक्स हुआ है, लेकिन आपसे मिलने कोई एक हेल्दी पर्सन आ जाता है, आप उसको बताएंगे नहीं कि भैया मुझे कोरोना या फिर मंकी पॉक्स हुआ है, लेकिन वो आपसे मिलने आता, बैठ के आपके साथ चाय वाय पी के बिना मास्क के ही चला जाता है, लेकिन जब उसको पता चलेगा तो वो जाके क्या हो जाएगा अपने आप के लिए, जब तक इतना दिन का ड्यूरेशन होता है कि जो फर्स्ट साइन सिम्टम आपकी बॉडी शो कर दे, इंक्यूबेशन पीरियड जिसको हम कहते हैं, तब तक वो अपने आप को क्या करके रखेगा, अलग करके रखेगा, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा क्वारंटाइन। क्या कहलाएगा? क्वारंटाइन। नेक्स्ट है यहाँ पर KMC शुड बी प्रोवाइडेड बाय मदर फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी आवर्स इन वन सिटिंग। कंगारू मदर केयर दी जाती है, तो एक बार यदि माँ बैठती है, फादर बैठते हैं बच्चे को लेके, तो एटलीस्ट कितने टाइम तक दी जानी चाहिए? 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर या फिर 1.6 आवर। तो KMC कब दी जाती है? जब बच्चा लो बर्थ वेट डिलीवर हुआ हो, 2.5 kg से कम हुआ हो। हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए भी हम देंगे,
माँ बच्चे की बॉन्डिंग के लिए भी देंगे, फैमिली का कोई भी मेंबर दे सकता है, लेकिन जो हेल्दी हो उसको कोई भी डिसीज़ ना हो, स्पेशली कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज, इन्फेक्शियस कंटेजियस डिसीज़ ना हो, तब वो KMC दे सकता है। एटलीस्ट एक सिटिंग में एक बार KMC हमें देना है। कब तक देना है? जब तक बच्चा अपना नॉर्मल वेट है जो गेन ना कर ले। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ग्राफ्टिंग ऑफ बर्न वुंड आर कवर्ड विद द पेशेंट ऑन स्किन। यदि कोई पेशेंट जल गया है तो जो उसके वुंड है उसकी खुद की अपनी स्किन से वुंड है, जो घाव है कवर कर दिए जाते हैं ग्राफ्टिंग करके, तो क्या है, होमोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट या फिर हेट्रोग्राफ्ट। तो हमने ग्राफ्टिंग कल ही पढ़ी है। तो जब ग्राफ्टिंग आपकी खुद की बॉडी के टिश्यू सेल्स लेके कर दी जाए तो वो कहलाएगा ऑटोग्राफ्ट। क्या होगा? ऑटोग्राफ्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इज नोन एज। यदि फ्लूड इम्प्रॉपर तरीके से एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? इन्फ्लामेशन, एडिमा, एपिस्टैक्सिस या फिर नेक्रोसिस। तो जो टर्म यूज़ किया जाएगा एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड के लिए वो होगा एडिमा। नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू डेथ, एपिस्टैक्सिस का मतलब होगा नोज ब्लीडिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल। तो इनमें से कौन से हैं जो पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल हैं? क्लोरीन, सल्फर, आर्गन या फिर नाइट्रोजन। तो पॉली एटोमिक जो मॉलिक्यूल हैं वो कौन से हैं? वो है यहाँ पर सल्फर। ऑक्सिन टॉक्सिटी का यदि फर्स्ट साइन होगा तो वो होगा GI ट्रैक्ट को अफेक्ट करना, और वो क्या होगा? नॉजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, एनोरेक्सिया भी होगा एंड डायरिया होगा। तो यहाँ पर यदि फर्स्ट साइन पूछते हैं आपसे, तो यदि GI ट्रैक्ट को अपसेट करने वाला, GI ट्रैक्ट को अफेक्ट करने वाला नॉजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, डायरिया क्या है? बेसिक साइन, देन ब्लड विजन भी होगा और अदर प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट साइन क्या होगा? नॉजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया। अब यहाँ पर बात आती है डिगॉक्सिन विथहेल्ड कब की जाती, कब स्टॉप करना है? जब पल्स रेट बिलो 60 हो जाए तब हमें उस केस में डिगॉक्सिन को नहीं देना, और वो कंडीशन क्या कहलाती है? ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट वन इज द एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्बलाइकस इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन इज नोन एज। तो ऐसी कंडीशन जिसमें जो अम्बलाइकस है वो क्या है? मेम्ब्रेन के थ्रू इंसर्ट हो रही है, तो क्या कहलाएगी? वेलामेंटस, बैटलडोर, सक्सिनेटरा या फिर मार्जिनल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में भी आए हैं रिसेंट में, मई में, अप्रैल और मई में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें। तो एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें एम्ब्लाइकस क्या हुई है? इंसर्ट हुई है मेम्ब्रेन के थ्रू, तो क्या है? वेलामेंटस इंसर्शन। इस तरीके से क्या है, जनरली क्या होगा, सेंटर से इंसर्ट होगी, लेकिन ये कहाँ से हो रही है? मेम्ब्रेन से। तो क्या है? वेलामेंटस इंसर्शन। नेक्स्ट वन इज द इंडेक्स फॉर फाइंडिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के फेलियर रेट को पता करने के लिए कौन सा इंडेक्स यूज़ होगा, और ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितनी इफेक्टिव हुई है उसके लिए कौन सा इंडेक्स है जो यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन में पर्ल, ब्रोका, लॉरेंट या फिर पॉडर्नल। तो जो इंडेक्स यूज़ होता है वो कहलाता है पर्ल इंडेक्स। यहाँ पर आपको एग्जाम में फॉर्मूला भी आ सकता है कि, तो पर्ल इंडेक्स कॉमनली यूज होता है कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी के लिए, कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने के बाद भी कितना फेलियर हुआ है। दैट मीन्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाई गई है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, लेकिन अपनाने के बाद भी, यूज़ करने के बाद भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो क्या कहलाएगा यहाँ पर? कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी। और उसी के जो फेलियर रेट है उसको पता करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? पर्ल इंडेक्स। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर पर 1000 वुमेन ईयर्स ऑफ एक्सपोजर। तो यहाँ पर फॉर्मूला है इसका, टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी का मतलब है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने के बाद भी प्रेगनेंट हो जाना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, सॉरी टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर इंटू 100। नेक्स्ट वन इज एन 15 मंथ ओल्ड चाइल्ड वॉज ब्रॉट टू द वेल बेबी क्लिनिक फॉर बूस्टर डोज ऑफ DPT वैक्सीन। विच अमंग दी फॉलोइंग मसल इज प्रिफर्ड फॉर नर्स टू एडमिनिस्टर द BCG वैक्सीन, सॉरी DPT वैक्सीन। तो DPT किस रूट से दी जाती है? इंट्रामस्कुलर रूट से। अब DPT इंट्रामस्कुलर रूट से दी जा रही है, 15 महीने का बच्चा है, तो कौन सी मसल्स में दी जाएगी? किस में दी जाएगी? वास्टस लेटरलिस मसल्स में। अब DPT के साथ साथ एग्जाम में यहाँ पर पेंटावेलेंट वैक्सीन आती है यदि, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन का यहाँ पर और DPT का यदि आपसे ड्यूरेशन पूछते हैं तो कब कब दी जाती है? तो ये दी जाती है 6, 10, 14, 6, 10 और 14 वीक्स में। अब पेंटावेलेंट वैक्सीन में तो DPT तो इंक्लूड होती ही है, साथ में इसमें हेपेटाइटिस बी,
एंड हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है जो इंक्लूड किया जाता है। तो बेसिक पॉइंट है जो आपको यहाँ पर मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि यदि आपको एग्जाम में आए तो याद रहे। नेक्स्ट वन इज व्हाइल प्रिपेयरिंग अ पेशेंट फॉर सर्जरी हु हैज डायबिटीज मेलाइटिस नर्स शुड बी अवेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल सर्जिकल रिस्क एसोसिएटेड विद दिस डिसीज। तो यदि किसी को डीएम है, उसकी सर्जरी होनी है, तो एज अ नर्स आपको अवेयर होना है, अलर्ट रहना है कि कौन से सर्जिकल रिस्क है जो होने के चांसेस रहेंगे डीएम वाले पेशेंट को। ऑप्शन में है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन फ्रॉम एनेस्थीसिया, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, पुअर वुंड हीलिंग या फिर अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। तो यदि पेशेंट को डीएम है तो आफ्टर दैट सर्जरी क्या रिस्क होने के चांसेस होंगे, पुअर वुंड हीलिंग, क्योंकि सर्कुलेशन है जो ब्लड का प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इम्यूनिटी भी कमज़ोर होगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, पुअर वुंड हीलिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और जब सर्कुलेशन ही नहीं प्रॉपर होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं हो पाएगी, तो इससे भी क्या होंगे, जो वुंड है वो प्रॉपर हील नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट वन इज 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड विथ एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन अंडरवेंट पोस्टीरियर सजाइटल एनोरेक्टोप्लास्टी विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड बाय द नर्स अपॉन द डिस्चार्ज। तो यदि किसी बच्चे को एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन हुआ है, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के पेशेंट की सर्जरी हुई है पोस्टीरियर सजाइटल एनोरेक्टोप्लास्टी, तो अब यहाँ पर जब एनोरेक्टोप्लास्टी हुई है तो इस एनोरेक्टोप्लास्टी का जो पेशेंट है, डिस्चार्ज के टाइम पर आप पेरेंट्स को क्या है जो समझाएंगे। तो ऑप्शन में यहाँ पर एडवाइज ऑन इम्यूनाइजेशन, मॉनिटर इंटेक एंड आउटपुट, मेजर हेड सर्कमफेरेंस रेगुलरली या रेगुलर एनल डायलिटेशन। तो यहाँ पर जो पोस्टीरियर सजाइटल एनोरेक्टोप्लास्टी हुई है, टेक्निक है हाई एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन को ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पर जो एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है वहाँ पर क्या किया जाएगा, उस जो एनल एरिया है उसको ओपन किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ बतानी है डिस्चार्ज के टाइम पर पेरेंट्स को कि क्या करना है, रेगुलर एनल डायलिटेशन है जो करना है। नेक्स्ट वन इज द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द अकरेंस ऑफ ओसीडी। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल हैं, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन या फिर डोपामाइन। तो कौन से हैं जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं ओसीडी के लिए, तो ओसीडी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, सेरोटोनिन। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल, सेरोटोनिन। नेक्स्ट वन इज बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। तो बेस्ट टेस्ट क्या होगा ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए, ऑप्शन में है यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, रोरसाच टेस्ट, बेंडर जेस्टॉल टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट है जो कि क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए, तो वो यहाँ पर क्या है, बेंडर जेस्टॉल टेस्ट, जिसको हम बेंडर विजुअल मोटर जेस्टॉल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपका विजुअल मोटर फंक्शनिंग डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और जो न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स हैं वो चेक की जाएंगी। नेक्स्ट वन इज द कॉमन फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ब्रेन ट्यूमर। तो बच्चों में जो कॉमनली ब्रेन ट्यूमर होता है वो कौन सा है, मेड्यूलोब्लास्टोमा, ग्लियोमा, ऑस्टियोसाइटोमा या फिर एपेंडियोमा। तो बच्चों में यदि पूछते हैं तो चाइल्डहुड ब्रेन ट्यूमर सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है, मेड्यूलोब्लास्टोमा। नेक्स्ट वन इज यूरिया ब्रीथ टेस्ट इज एक्सेल्ड ब्रीथ टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। तो यहाँ पर जो यूरिया ब्रीथ टेस्ट है किसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए किया जाएगा, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या फिर इस्टेरिचिया कोलाई। तो यहाँ पर जो एक्सटेल ब्रीथ टेस्ट किया जाएगा किसकी प्रेजेंस के लिए किया जाएगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को डायग्नोस करने के लिए। अभी कैसे किया जाता है, तो आपके लिए एक यूरिया सब्सटेंस है जो ड्रिंक करने के लिए दिया जाएगा, और फिर आपको एक बैग दिया जाएगा को आप उसको अपने बैग को मुँह में लगाएँ एंड देन उसमें अपनी सांस छोड़ें, और जो फिर बैग है आपका ले जाके लैब में टेस्टिंग की जाएगी। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने एक्सेल की है और यदि वो यूरिया उसमें मिक्स्ड होती है, तो यहाँ पर जो आपको ड्रिंक करने के लिए दी गई थी तो CO2 के साथ जाके यदि क्या है लैब टेस्ट में यदि चेक होगा तो वहाँ पर उसकी वैल्यू पता चलेगी। तो इसके लिए इसीलिए क्या कहा गया है,
यूरिया ब्रीड टेस्ट और एच पायलोरी हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो कि पेप्टिक अल्सर होने का मोस्ट कॉमन रीजन भी माना जाता है, इसकी प्रेजेंस को फाइंड आउट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज अ नर्स इज अवेयर दैट द बेस्ट प्लेस टू डिटेक्ट फीटल हार्ट साउंड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में फीटल हार्ट साउंड आप कहाँ पर डिटेक्ट करेंगे? एट द अम्ब्लाइका, सब ऑफ द अम्ब्लाइका, सब ऑफ द सिम्फाइसिस, प्यूबिस, या फिर बिलो द सिम्फाइसिस। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आपको हार्ट साउंड फील होगा कहाँ पर होगा? अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। यहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब 12 वीक भी हो सकता है। फिर यहाँ पर बात आती है यदि 20 वीक का पूछें तो जस्ट बिलो द अम्ब्लाइकस, 24 में अम्ब्लाइकस पर ही, 30 में अम्ब्लाइकस और एक्सीफेस्टर्नम के बीच में। तो क्या है यहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पूछते हैं तो अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तीन ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नेशनल हेल्थ। और यहाँ पर जो इमेज और जो यहाँ पर एक टेबल दिख रही है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इनको अपने नोटबुक पर या रजिस्टर में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। यहाँ पर NHM का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आए हुए हैं। ऑप्शन में है RMNCS प्लस ए स्ट्रेटजी, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्या है जो NHM में इंक्लूड नहीं है? तो NHM में जो इंक्लूड नहीं है वो क्या है? वुमेन एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि महिलाओं को रोजगार देना है, इसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन इन केस ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड डिग्री माल न्यूट्रीशन। तो यदि बच्चा सेकेंड और थर्ड डिग्री माल न्यूट्रीशन से अफेक्टेड है कौन से स्टेप आप फॉलो करेंगे? प्रोवाइड न्यूट्रिशनल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन टू केयर गिवर्स, प्रोवाइड सप्लीमेंटल थेरापीटिक न्यूट्रीशन, रिकमेंडेड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, रिकमेंडेड पेरेंटल न्यूट्रीशन। यदि बच्चा सेकेंड और थर्ड डिग्री यहाँ पर बात हो रही है तो थेरापीटिक न्यूट्रिशन से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? थेरापीटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन इज इन द कॉन्टेस्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म द फुल फॉर्म ऑफ REE। तो यहाँ पर REE का फुल फॉर्म क्या होगा जो कि न्यूट्रिशन में इंक्लूड होता है? तो न्यूट्रिशन में REE का मतलब क्या है? तो REE का मतलब होता है रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है? द अमाउंट ऑफ कैलोरीज नीडेड टू मेंटेन बेसिक बॉडी सिस्टम एंड बॉडी टेम्परेचर एट रेस्ट। तो यदि यहाँ पर REE पूछा जाता है, मेटाबॉलिज्म में कहा है, रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि कैलोरी का इतना अमाउंट जो आपकी बॉडी के बेसिक सिस्टम और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एट द टाइम ऑफ रेस्ट चाहिए, तो क्या है यहाँ पर? REE। और जब कुछ ड्यूरिंग द एक्टिविटी जो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या कहलाता है? एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर, EEE। और जब वेट लॉस के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या कहलाएगा? TEEE। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली सीन इन प्रीमेच्योर चिल्ड्रन ड्यू टू एक्सेसिव ऑक्सीजनेशन सप्लाई। अब इस क्वेश्चन को आपको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से क्वेश्चन अवेलेबल होगा। फर्स्ट की जो ऑक्सीजनेशन सप्लाई है, जो एक्सेसिव ऑक्सीजन सप्लाई के कारण बच्चों में जो प्रॉब्लम होगी वो क्या कहलाएगी? सेकंड कि किन बच्चों में ऑक्सीजन की सप्लाई दिए जाने से एक्सेसिव ऑक्सीजन सप्लाई के कारण रेटिनोपैथी होगी या फिर फाइब्रोप्लास्टिया रेटिनोपैथी होगी, या फिर बच्चों में या फिर बड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई है जो मॉइस्ट फॉर्म में क्यों की जाती है? तो ये बेसिक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर प्रीमेच्योर चिल्ड्रन, जो बच्चे बिलो 37 वीक के डिलीवर हो गए हों उनको ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी, कौन सी सिचुएशन डेवलप होगी? रेटिनोपैथी, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम, ब्लाइंडनेस या फिर ज़ीरोप्थेल्मिया। जो प्रीमेच्योर चिल्ड्रन है उनमें एक्सेसिव ऑक्सीजन सप्लाई के कारण जो सिचुएशन डेवलप होगी वो क्या कहलाती है? रेटिनोपैथी। क्या कहलाएगी? रेटिनोपैथी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको अलग अलग जगह, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, ऑफलाइन करते हो, बुक्स में अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन अवेलेबल होगा, लेकिन इसका मीनिंग एक ही होगा कि बच्चों में एक्सेसिव ऑक्सीजन, जो प्रीमेच्योर चिल्ड्रन है उनमें ऑक्सीजन सप्लाई के कारण जो एक कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो क्या कहलाता है? रेटिनोपैथी। नेक्स्ट वन इज द लेबर इज सेड टू बी प्रोलॉन्ग व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इज मोर देन।
तो यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड लेबर कब कहा जाएगा, जब सेकेंड और फर्स्ट स्टेज का ड्यूरेशन कितना होगा, 10 घंटे, 2 घंटे, 18 घंटे या फिर 16 घंटे। जो नॉर्मली ड्यूरेशन होता है प्रीमी में मल्टी में अलग अलग होगा, लेकिन जब यही ड्यूरेशन फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में ड्यूरेशन मोर देन 18 आवर तक हो जाता है लेबर पेन में, तो क्या कहलाता है, प्रोलॉन्ग्ड। और जब यदि यही ड्यूरेशन फर्स्ट सेकेंड मिला के लेस देन 2 आवर हो जाता है तो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट लेबर। मोर देन 18 आवर में प्रोलॉन्ग्ड, बट इसमें फर्स्ट और सेकेंड स्टेज को मिला के, और यदि यही दोनों स्टेज 2 घंटे से कम की हो जाए तो प्रेसिपिटेट लेबर। नेक्स्ट है यहाँ पर, ग्रुप इन विच पीपल आर नॉट मैरिड इन हैविंग ब्लड रिलेशन बट मैरिड आउटसाइड द ग्रुप इज टर्म्ड एज। अब यहाँ पर आपको जो एक और टेबल दिख रही है आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज क्या है, लेटेंट फेट 0 to 4 centimeter सर्विक्स डायलेटेशन होगा, फर्स्ट स्टेज में 0 to 10 centimeter तक सर्विक्स ही डायलेट होगी, एक्टिव फेज में 4 to 10 centimeter दिया हुआ है, सेकेंड में फुल डायलेटेशन से बेबी एक्सपल्सन तक होगा, फीटल एक्सपल्सन तक, थर्ड में बर्थ ऑफ बेबी से लेके प्लेसेंटा एक्सपल्सन तक होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, ग्रुप इन विच पीपल आर नॉट मैरिड इफ हैविंग ब्लड रिलेशन बट मैरिड आउटसाइड द ग्रुप। यदि ब्लड रिलेशन है तो आपकी शादी नहीं होगी उसमें, किसी दूसरे ग्रुप में शादी कर लेंगे आप, तो इसको क्या कहेंगे, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, कास्ट एंडोगैमी या फिर कास्ट एक्सोगैमी। तो जो मोमेडियंस होते हैं उनमें मोस्टली क्या हो जाती है, शादी अपनी जो ब्लड रिलेशन है उनमें हो जाती है, कुछ रिश्तों को छोड़ के बाकी वो हो जाती हैं, तो ये क्या कहलाएंगे यहाँ पर, एंडोगैमी, जिसमें आपके ग्रुप में ही कास्ट क्लास रेस ट्राइब में आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन जो एक्सोगैमी है जिसमें आपका गोत्र, ब्लेज, गांव, परिवार, पिंडे सब चीज़ें देखी जाती हैं, तो क्या कहलाती हैं, एक्सोगैमी मैरिज, जिसमें आउटसाइड ग्रुप में आपकी शादी होगी। नेक्स्ट वन इज क्ले कलर्ड स्टूल इंडिकेट्स। तो क्ले कलर्ड स्टूल किसका साइन है, अपर GI ब्लीडिंग का, इम्पेंडिंग कॉन्स्टिपेशन का, एन अफेक्टेड ऑफ मेडिकेशन या फिर बाइल ऑब्स्ट्रक्शन का। तो क्ले कलर्ड स्टूल देखने को मिलेगा बाइल ऑब्स्ट्रक्शन में। बाइल ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होगा, अ बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ऑल्सो नोन एज बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। जब जो बाइल डक्ट लिवर में क्या हो रहा है, बाइल बनेगा लेकिन स्टोर कहाँ पर होगा, जो बाइल है वो कहाँ पर स्टोर होगा, तो वो होगा यहाँ पर गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर में जो बाइल को कैरी करने वाली जो डक्ट है उसमें यदि किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो क्या होगा यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशन होंगे, इन्फेक्शन होंगे, और वही बाइल क्या होगा आपका स्टूल में मिक्स होके आएगा, तो स्टूल का कलर कैसा होगा, क्ले कलर का। तो इसके लिए क्या कहा गया है, क्ले कलर्ड स्टूल। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द प्राइमरी ड्रग यूज ड्यूरिंग द CPR इज। तो CPR के टाइम पर कौन सी ड्रग दी जाती है, रेंटेक, डिगॉक्सिन, डाइक्लोफेनिक या फिर एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन यहाँ पर इमरजेंसी में यूज की जाने वाली मेडिसिन है और CPR में दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज मेडिकल कंडीशन इन विच द बोन्स बिकम ब्रिटल एंड फ्रेजाइल फ्रॉम लॉस ऑफ टिश्यू, टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ हार्मोनल चेंजेस और डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी इज नोन एज। तो मेडिकल कंडीशन जिसमें बोन्स कैसी हो रही हैं, ब्रिटल हैं, फ्रेजाइल हो रही हैं, और यहाँ पर टिश्यूज से क्या हो रही हैं, दूर हो रही हैं, ये जनरली हार्मोनल चेंज के कारण हुआ है या फिर कैल्शियम की कमी के कारण हुआ है, विटामिन डी की कमी के कारण हुआ है, तो ये क्या है, ऑस्टियोमाइलाइटिस, फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमलेशिया। तो ये सभी सिचुएशन जो यहाँ पर दी हुई हैं जॉइंट्स को ही अफेक्ट करने वाली हैं, बोन्स को अफेक्ट करने वाली हैं, बट यहाँ पर कैल्शियम, विटामिन डी की कमी है और हार्मोनल चेंज के कारण हुआ है, तो क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, जहाँ पर माइलाइटिस, सॉरी लाइटिस और आइटिस वर्ड यूज हो तो क्या है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है। नेक्स्ट वन इज मल्टीपल टिनी राइज्ड वाइट और येलो वाइट स्पॉट्स में अपियर ऑन द नोज चीक्स ऑफ न्यूनेट्स और कॉल्डेज। जो न्यूनेटल बेबी है उनके नोज और चीक्स के यहाँ पर वाइट कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, क्या कहलाएंगे, मिलिया, साल्मोन पैचेस, मंगोलियन स्पॉट्स या फिर हार्कलिन कलर चेंजेस। तो क्या कहलाएंगे, वाइट स्पॉट होंगे नोज चीक्स के यहाँ पर न्यूनेट में, क्या कहलाते हैं, मिलिया। इस तरीके से दाने दाने स्पॉट देखने को मिलेंगे वाइट कलर के, क्या है, मिलिया। और जो यहाँ पर साल्मोन पैचेस हैं इस तरीके से बर्थ मार्क भी आप जिसको कह सकते हैं, लेकिन ये एज के साथ साथ धीरे धीरे कम हो जाते हैं।
मंगोलियन स्पॉट इस तरीके से होंगे, जनरली बैक में बटुक्स में ही रहते हैं। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग टू ट्रीट द गट। तो गट को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है? एलोप्यूरिनॉल, पैरासिटामॉल, क्यूनिन या फिर डाइक्लोफेनिक, ड्रग ऑफ चॉइस गट के लिए। तो गट होगा यूरिक एसिड के ऑक्यूमुलेशन के कारण, अब उस यूरिक एसिड को हमें बाहर निकालना है बॉडी से, तो मेडिसिन यूज होगी वो क्या कहलाती है? एलोप्यूरिनॉल। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फैलसी पैरम मलेरिया। मलेरिया की जो अलग अलग स्पीसीज हैं टोटल 4 होती हैं, तो उसमें फालसी पैरम को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी? वैंकोमाइसिन, क्लोरोक्विन, क्विनिन या फिर मेथोट्रेक्सेट। तो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो क्या है यहाँ पर? क्लोरोक्विन। क्या है? क्लोरोक्विन। अब जो मलेरिया पैरासाइट की डिस्कवरी पूछे तो एडवर्ड जेनर ने की थी और वैक्सीनोलॉजी के फादर भी एडवर्ड जेनर ही कहलाते हैं। नेक्स्ट इज थिक वाइट म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द फीमेल जेनाइटेलिया। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, थिक वाइट म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है फीमेल जेनाइटेलिया से, तो क्या कहेंगे? यहाँ पर ना प्रेगनेंसी है ना लेबर है, कॉमनली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जो थिक और वाइट कलर का डिस्चार्ज होगा वुमेन जेनाइटेलिया से उसको हम क्या कहेंगे? तो वो कहलाता है स्मैग्मा। क्या कहलाएगा? स्मैग्मा। नेक्स्ट वन इज इन द डेमोग्राफिक साइकिल इज हाई स्टेशनरी स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय। तो डेमोग्राफिक साइकिल उसमें हाई स्टेशनरी स्टेज है, क्या कहेगी? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। द डेथ रेट बिगन्स टू डिक्लाइन वाइल द बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज। डेथ रेट डिक्लाइंस स्टिल फर्दर एंड बर्थ रेट टेंड्स टू फॉल। लो बर्थ एंड लो डेथ रेट। तो क्या है यहाँ पर डेमोग्राफिक साइकिल की जो स्टेज होती हैं, यहाँ पर टोटल 5 स्टेज होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा है कि हाई स्टेशनरी स्टेज है, क्या है इसमें? हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है, दोनों हैं, तो इसको क्या कहा गया? हाई स्टेशनरी स्टेज। हाई स्टेशनरी फर्स्ट, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी और डिक्लाइनिंग। अब यहाँ पर ये देखिए 4 स्टेज दी हुई हैं, तो जो यहाँ पर बर्थ रेट इसमें क्या होगा और डेथ रेट हाई होगी और क्या है? फर्स्ट स्टेज है। दूसरी स्टेज यहाँ पर क्या कही है? अर्ली एक्सपेंडिंग। तो अर्ली एक्सपेंडिंग में बर्थ रेट हाई होगा लेकिन डेथ रेट धीरे धीरे, सॉरी फॉल्स रैपिडली, बहुत ज़्यादा डेथ रेट होगी। थर्ड स्टेज में क्या है? बर्थ रेट भी फॉल हो रहा है और डेथ रेट भी धीरे धीरे हो रहा है। और फोर्थ में दोनों बर्थ रेट और डेथ दोनों क्या हैं? कम हैं। और जो डिक्लाइनिंग है इसमें अचानक से जो बर्थ रेट है वो क्या है? बढ़ सकती है लेकिन डेथ रेट क्या है? कम ही है, कम चेंज देखने को मिलेंगे लेकिन इसमें। तो यहाँ पर तो 5 स्टेज हैं, आपको याद रखना। इंडिया किस स्टेज में? भी लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में। नेक्स्ट वन इज द हेमलिच मैन्यूवर इज यूज फॉर द पेशेंट हु हैज। तो हेमलिच मैन्यूवर एब्डोमिनल थ्रस्ट है, पेशेंट को कब यूज़ किया जाएगा? ब्लड नोज, ब्लॉक्ड एयर वे, फॉलन आउट ऑफ बेड या फिर इम्पेयर्ड आई साइड। तो हेमलिच मैन्यूवर और एब्डोमिनल थ्रस्ट यूज़ किया जाता है जब ब्लॉक्ड एयर वे हो उसके लिए। नेक्स्ट वन इज साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्लेसेंटा सेपरेट होगा जब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, तो सभी साइन देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड एट बुल्बा, गस ऑफ ब्लड इज सीन, फंडस राइज अप टू अम्बिलिकस या फिर टेम्परेचर राइसेस। तो प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो जो बुल्बा जो लेंथ है कॉर्ड की वो ज़्यादा होगी, ब्लड देखने को मिलेगा, फंडस अम्बिलिकस तक पहुँच जाएगा लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। सडन गस ऑफ वजाइनल ब्लड, लेंथनिंग ऑफ द विजिबल पोर्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, यूट्रस कैसी होगी? फ्लैट होगी आफ्टर द डिलीवरी लेकिन आफ्टर दैट राउंड और फर्म शेप में देखने को मिलेगी। तो क्या है? साइन है प्लेसेंटा सेपरेट होने के। नेक्स्ट वन इज साइन ऑफ ट्रू लेबर और द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ट्रू लेबर के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। पेनफुल रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, डायलिटेशन ऑफ द ओस, फीटल मूवमेंट या फिर ब्लड शो। तो जो ट्रू लेबर में पेनफुल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, आप चाहे लेट लो चाहे बैठ लो, वो कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। सर्वाइकल ओस में डायलिटेशन देखने को मिलेगा, ब्लड शो देखने को मिलेगा लेकिन फीटल मूवमेंट आपको फील नहीं होंगे। क्या होगा? फीटल मूवमेंट फील नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज द एमनियोटिक फ्लूड एंड सैक सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूड के सभी फंक्शन हैं किसी एक को छोड़कर।
हेल्पिंग टू डायलेट द सर्विक्स, ये काम बिल्कुल करेगा एमनियोटिक फ्लूड, क्योंकि जो हाइड्रोमनियोस के पेशेंट होती हैं उनमें क्या होता है प्रॉपर लेबर पे नहीं आने लगते. क्यों? क्योंकि डायलिटेशन, सर्विक्स डायलिटेशन के लिए प्रॉपर फ्लूड ही नहीं होगा. प्रोटेक्टिंग द फीटस फ्रॉम इंजरी, तो ये भी सही है कि जो एमनियोटिक फ्लूड और सैक है क्या करता है, बेबी को एज अ कुशन की तरह, तकिए की तरह काम करता है प्रोटेक्ट करने में. प्रोवाइडिंग द फीटस विथ इम्यून बॉडीज, कीपिंग द फीटस एट एन इवन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी एमनियोटिक फ्लूड और सैक करेंगे, लेकिन बेबी को किसी भी तरीके की इम्यून बॉडीज प्रोवाइड नहीं करवाएगा एमनियोटिक फ्लूड. ये काम प्लेसेंटा करवाएगा लेकिन एमनियोटिक फ्लूड ये काम नहीं करेगा. नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ हाउस विजिट बाय आशा इन अ डे. तो जो एक आशा वर्कर होगी, एक्टिविस्ट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होंगी, उनका जो काम होगा वो एक दिन में एटलीस्ट कितनी विजिट करना चाहिए उनको, टोटल 10 विजिट. एक दिन में कितनी? 10 विजिट. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीटीएस. तो पीसीटीएस का मतलब होता है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम. क्या है इसका फुल फॉर्म? प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम. नेक्स्ट वन इज द निश्चय किट इज यूज टू टेस्ट. तो जो निश्चय किट है गवर्नमेंट में प्रोवाइड करवाई जाती है, किसके लिए? प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए गवर्नमेंट सप्लाई में दी जाती है, फ्री सप्लाई है निश्चय किट, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इसको दी जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, किसके लिए? प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए. प्रेगा न्यूज वो आपको मार्केट में 50 के आसपास रुपीस लगेंगे, 50-60 रुपीस, लेकिन जो निश्चय किट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ सप्लाई रहेंगी. नेक्स्ट वन इज द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू. तो नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, इसको किसमें कन्वर्ट किया गया था? JSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, RKST राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, JSY जननी सुरक्षा योजना, या फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम. तो किसमें इसका मॉडिफिकेशन किया गया था नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम का? JSY में. अब JSY लॉन्च कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को. कब लॉन्च हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को. नेक्स्ट इज और इसमें क्या है जो मैन किया गया था कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी उसको बढ़ावा दिया जाए, जिससे मैटरनल और जो न्यूनेटल डेथ रेट है उसको रिड्यूस किया जाए. नेक्स्ट वन इज इफ अ चाइल्ड्स वेट फॉल्स इन ग्रीन लाइन ऑन ग्रोथ चार्ट इट इंडिकेट्स. यदि बच्चे का वेट ग्रीन लाइन से जो ग्रोथ चार्ट है उसमें कम होता है, तो दैट मीन्स क्या है, जो रोड टू हेल्थ चार्ट यूज़ किया जाए, ग्रोथ चार्ट है, यदि बच्चे का वेट ग्रीन लाइन से कम आता है तो ये क्या है? सीवियरली अंडर वेट, लेस वेट, नॉर्मल वेट टू एज, या फिर नन ऑफ दी अबव. यदि बच्चे का वेट जो ग्रीन लाइन से कम आता है तो क्या है? नॉर्मल वेट टू एज. क्या है? नॉर्मल वेट टू एज. ग्रोथ चार्ट में क्या है, यदि दो सेकेंड कर्व होती है, ग्रीन बैंड होगा, तो उससे कम अबव जाता है तो क्या है, यहाँ पर बच्चे के लिए क्या किया जाएगा, नॉर्मल और हेल्दी बच्चा है. और यदि यहाँ पर वेट ऑफ मॉडरेटली अंडर वेट, यदि बच्चा सेकेंड टू थर्ड कर्व दैट मीन्स येलो बैंड में जाता है, तो बच्चा क्या है, यहाँ पर अंडर वेट है. लेकिन जब यदि थर्ड कर्व से भी कम जाता है, ऑरेंज बैंड से भी कम जाता है, तो क्या है, बच्चा यहाँ पर सीवियरली अंडर वेट है. अब यहाँ पर आपको जो ग्रोथ एंड रोड चार्ट सबने देखा होगा, तो यहाँ पर ग्रोथ और ग्रोथ चार्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या किया जाए, ग्रोथ चार्ट में तीन कलर होते हैं, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, और यही तीनों कलर साकेट टेप में भी होते हैं. तो साकेट टेप क्यों यूज़ किया जाता है? MUSC चेक करने के लिए, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस के लिए. तीनों कलर में जैसा यहाँ पर कहा है कि अबव और जो ग्रीन बैंड के आसपास है, दैट मीन्स बच्चा नॉर्मल है, तो उसमें भी सेम रहेगा, लेकिन उसमें कुछ काउंटिंग है, नंबरिंग है, वो दी जाती है कि MUSC यदि इतने से कम है तो बच्चा किस कैटेगरी में है. इस तरीके से अब देखिए रही यहाँ पर इमेज, ऑरेंज दैट मीन्स बच्चा ऑरेंज से नीचे आता है, दैट मीन्स बच्चा क्या है, बहुत ही ज़्यादा अंडर वेट है. येलो में होता है दैट मीन्स मॉडरेट में है, और ग्रीन में है तो क्या है, बच्चा नॉर्मल हेल्दी है. नेक्स्ट वन इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम फोकस ऑन. तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम किस पर फोकस किया? डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिंस, यूज़ ऑफ सैनिटरी नैपकिंस, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम ने इन सभी चीज़ों पर फोकस किया है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव.
इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन इसको रिलीज़ किया गया था, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम को, जिसमें 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप की जो गर्ल्स थी यहाँ पर इनको इंक्लूड किया गया था। फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करवाना, किस तरीके से यूज़ करना है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में एजुकेशन दी जाना। नेक्स्ट वन इज अंडर आर के एस के विच एज ग्रुप इज कंसिडर्ड एज एडोलोसेंट। एडोलोसेंट एज ग्रुप कब आती है? 10 से 19 साल तक की। आर के एस के का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च हुआ था 7 जनवरी 2014 को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था, और इसमें जो एडोलोसेंट एज ग्रुप है, 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप के एडोलोसेंट हैं, उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट वन इज रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इनकी स्थापना की थी हेनरी डोरेंट ने 1883 में। तो जिन क्वेश्चन में आपको ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है तो मैं डायरेक्ट ही बता देती हूँ। तो 1883 में किसकी स्थापना हुई थी? रेड क्रॉस सोसाइटी की। किसने की थी? हेनरी डोरेंट ने। नेक्स्ट वन इज ब्लड ग्रुप वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, कार्ल लैंडस्टीनर, पॉल एनरिच या फिर एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने। ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्टेनेल इन चाइल्ड इज द फर्स्ट टू क्लोज। तो डेढ़ महीने में, या फिर हम ये कह सकते हैं 6 to 10 week में, कौन से फॉन्टेनेल क्लोज हो जाते हैं? सबसे पहले ऑक्सीपिटल फॉन्टेनेल और पोस्टीरियर फॉन्टेनेल जिसको हम कहेंगे, और जो यहाँ पर सबसे पहले क्लोज होने वाले फॉन्टेनेल हैं वो क्या है? ऑक्सीपिटल और पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। एंटीरियर क्या होते हैं? थोड़ा लेट क्लोज होते हैं, एटलीस्ट 12 to 18 month की एज में, लेकिन जो पोस्टीरियर और ऑक्सीपिटल हैं क्या हो जाते हैं? पहले क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज टिटेनिस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। तो टिटेनी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है जो डिस्टर्ब होगा? हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया या फिर हाइपोनैट्रेमिया। तो टिटेनी में क्या डिस्टर्ब होता है? कैल्शियम का लेवल ब्लड सीरम में कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट वन इज फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन स्टीम इन एन ऑटोक्लेव शुड बी एट प्रेशर ऑफ 15 pounds पर स्क्वायर इंच फॉर मिनट्स एंड एट अ टेम्परेचर। तो ऑटोक्लेविंग मशीन में जो यहाँ पर कितना टेम्परेचर यूज़ किया जाएगा, ड्यूरेशन की बात आती है तो 20 to 30 minutes, और बेस्ड अपॉन द क्या आइटम आप स्टरलाइज कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर की बात आती है तो 121 degrees Celsius, कितना? 121 degrees Celsius। नेक्स्ट वन इज मैकबर्नीज पॉइंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। तो मैकबर्नी पॉइंट कब यहाँ पर चेक किया जाता है? अपेंडिसाइटिस में। और ये कहाँ पर फील होगा आपको? राइट लोअर क्वाड्रेंट में, एब्डोमेन के किस पार्ट में? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। अब एग्जाम में यहाँ पर रॉप्सिंग साइन आपको आता है, तो यदि आप पालपेशन करेंगे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में तो आपको पेन फील होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में। मैकबर्नीज पॉइंट का पेन है कहाँ फील होता है? राइट लोअर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में फील होगा आपके लिए। तो इस साइन के लिए यहाँ पर क्लासिकल साइन है किसका? अपेंडिसाइटिस का रॉप्सिंग साइन। रॉप्सिंग साइन में आप जब पालपेशन करेंगे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में तो पेन फील होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में, जो कि क्या है? मैकबर्नीज पॉइंट है यहाँ पर, और ये जो साइन है क्या कहलाएगा? रॉप्सिंग साइन। नेक्स्ट वन इज टर्मिनल डिसइंफेक्शन इज कैरिड आउट। टर्मिनल डिसइंफेक्शन का मतलब क्या है? ऑन एडमिशन ऑफ अ पेशेंट व्हेन पेशेंट इज इन वार्ड, आफ्टर पेशेंट गॉन होम, या फिर आफ्टर पेशेंट डाइज इन वार्ड। तो टर्मिनल डिसइंफेक्शन का मतलब है कि जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर अपने घर चला जाए। नेक्स्ट वन इज आयरन फॉलिक एसिड्स टेबलेट आर गिवन टू प्राइवेट डॉक्टर फॉर अ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अंडर। तो जो आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट जो प्राइवेट डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक पर प्रैक्टिस करते हैं, बैठते हैं, उनको दी जाती हैं कि आपके यहाँ जो पेशेंट हैं आप उनको ये क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे और फ्री करोगे, इसका कोई कॉस्ट नहीं लोगे। तो ये किस स्कीम के तहत ऐसा है? NRHM, CSSM, जननी सुरक्षा योजना, फिर वंदे मातरम स्कीम। तो आयरन फॉलिक एसिड की जो मेडिसिन है स्पेशली प्राइवेट डॉक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पेशेंट को फ्री में, वो किसके तहत है? वंदे मातरम स्कीम के तहत, जो कि 9 फरवरी 2004 को लॉन्च की गई थी, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था। तो यहाँ पर इसके तहत जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू क्या करवाया जाएगा? आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करवाया जाएगा। नेक्स्ट इज
रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन, तो RDA किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, एज जेंडर पर, एज जेंडर फिजिकल वर्क पर, एज एंड फिजिकल वर्क पर, या फिर एज पर? तो RDA डिपेंड करेगा एज पर, जेंडर आप मेल हैं या फीमेल, फिजिकल वर्क आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीते हैं कि आप कुछ काम करते हैं, एक्टिव हैं, तो आपके ऑक्यूपेशनल फिजिकल वर्क पर भी डिपेंड करेगा आपका RDA। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द कलर ऑफ कोट एप्रेन ऑफ आशा, तो जो आशा वर्कर होती हैं उनके कलर क्या होता है एप्रेन और कोट का, ब्लू, पिंक, वाइट या फिर ग्रीन? जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेस का कोट होता है कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, और जो आशा वर्कर का कोट होता है कैसा होता है, ब्लू होता है, कैसा होता है, ब्लू। और जो आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं वो किस टाइप की ड्रेस होती है उनकी, पिंक टाइप की। नेक्स्ट वन इज सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, हाई अल्कोहल कंजप्शन एंड ओबेसिटी में लीड्स विच ऑफ द डिसीज? तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब खाया पिया और सो गए, हाई अल्कोहल कंजप्शन खूब दारू पिए और मोटे हैं साथ में, तो कौन सी डिसीज कॉज करेंगे, नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल, हैंसन या फिर अल्जाइमर? तो यहाँ पर ये सभी क्या दिए, और ये सभी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, भी आपको ध्यान से सुनना है। तीनों ऑप्शन एग्जाम में दे के पूछ सकते हैं कि मॉडिफाइबल है या नॉन मॉडिफाइबल। तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब होगा कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, खाते पीते बैठते हुए हैं, तो वो क्या है, सेडेंट्री, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो मॉडिफाइबल, हाई अल्कोहल कंजप्शन, खूब दारू पीते हैं, मोटे हैं, तो ये कौन सी डिसीज़ क्रिएट करेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, कैंसर, BP, डायबिटीज़, ये सब किस में आएंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में। नेक्स्ट वन इज द प्रोग्राम जिंक इज रिलेटेड टू, तो जिंक प्रोग्राम है किससे रिलेट करता है, निमोनिया, डायरिया, एनीमिया, फिर टिटनेस? तो सबको पता है जिंक किस में दिया जाता है, डायरिया के ट्रीटमेंट में, तो ये किससे रिलेट करेगा, जिंक ट्रीटमेंट, डायरिया के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट वन इज हॉस्पिस इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट फॉर, ए क्वेश्चन मैंने आपको एक बार कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया था, बहुत सारे लोगों ने इसका गलत आंसर भी किया था। तो हॉस्पिस कॉन्सेप्ट है किसके लिए दिया गया, टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो हॉस्पिस केयर दी जाती है कैंसर के ऐसे पेशेंट में जिनके ठीक होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, बट उनको केयर दी जाती है, तो वो क्या है, टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स में जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है वो क्या है, हॉस्पिस केयर। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड, तो यदि कोई सेल्स एक से दूसरी सेल में ट्रांसफर होती है, ट्रांसफॉर्मेशन करती है अपना, बदलती है, तो ये क्या है, हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया, डिसप्लासिया, फिर एनाप्लासिया? तो एक सेल दूसरी सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो क्या है, मेटाप्लासिया। हाइपरप्लासिया का मतलब है कि जो टिश्यू है, सेल्स हैं, इनके अमाउंट में इंक्रीज होगा, डिसप्लासिया में एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगा सेल्स का। और यहाँ पर जो मेटाप्लासिया, इसमें क्या होगा, मेटास्टेसिस, और सेल एक सेल दूसरी सेल में ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में कितनी थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं, 5, 7, 9 या फिर 12? थोरेसिक वर्टिब्रा की बात करें तो कितनी होती हैं, 12। सर्वाइकल की बात करें तो 7, थोरेसिक 12 और लंबर 5। नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड एट, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद या फिर चेन्नई? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर है, हैदराबाद में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अ पार्ट ऑफ डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर डिसीज, तो अल्जाइमर डिसीज के पेशेंट में डाइटरी मैनेजमेंट, दैट मीन्स न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में कौन सा विटामिन हेल्प करेगा, विटामिन ADK या फिर विटामिन B12? जो विटामिन हेल्प करेगा अल्जाइमर डिसीज के पेशेंट में होगा विटामिन B12 और विटामिन B6 है, जो मेनली यूज़ किया जाता है, जो फॉलेट कैटेगरी के विटामिन होंगे। जितनी भी अल्जाइमर डिसीज के अलावा जो एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन डिसीज होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए विटामिन B12 यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा का मेन कॉज यहाँ पर क्या होगा, क्राउब, बर्साइटिस, ट्राइकोमोनास या फिर लूपस? यूरेथ्रा को कॉज करने का जो मेन, यूरेथ्रा इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के लिए जो मेन कॉज होगा वो क्या होगा, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ट्राइकोमोनास। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल कैंसर का रीजन क्या होगा, हाई फैट डाइट, अल्कोहल कंजप्शन, फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ 30 या फिर हैविंग सेक्स एट अर्ली मैरिज?
तो सर्वाइकल कैंसर होने का जो मेन रीज़न होता है कि यदि शादी बहुत जल्दी हो गई हो या फिर आपने बहुत ही कम एज में सेक्स किया हो तो क्या होगा, सर्वाइकल कैंसर का मेन रीज़न यहाँ पर होगा। नेक्स्ट वन इज़ द डॉपलर टेक्निक कैन आइडेंटिफाई फीटल हार्ट साउंड बाय। डॉपलर टेक्निक से आप फीटल हार्ट साउंड कब सुन सकते हैं, 5 से 7 वीक में, 10 से 12 वीक, 18 से 20 वीक या फिर 22 से 24 वीक में। तो फीटल हार्ट साउंड है आप डॉपलर टेक्निक से कब सुन सकते हैं, 10 से 12 वीक ऑफ जेस्टेशन में। इस तरीके से जब आप डॉक्टर के यहाँ अपने चेकअप के लिए जाते हैं वो आपका फीटल हार्ट साउंड सुनाई देगा आपको। जनरली कितना होता है, एक एवरेज 140 to 160 कितना होगा, फीटल हार्ट रेट 140 to 160। और जहाँ पर इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है क्या कहलाता है, डॉपलर। तो यहाँ पर इससे हम कितने वीक में सुन सकते हैं, 10 से 12 वीक के जेस्टेशन में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2022। तो 2022 में वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या है, ऑप्शन में यहाँ पर तो चारों दिए, चारों थीम है लेकिन 2022 की बताना है। आवर प्लानट आवर हेल्थ, इट्स टाइम टू बिल्ड अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवेयर एवरीवन, टू सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइस, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। तो यहाँ पर जो इस साल की थीम है 2022 की, ओके, आवर प्लानट इज आवर हेल्थ, मनाते कब हैं, 7 अप्रैल को। डॉक्टर टेड्रोस इसके चीफ हैं, जेनेवा में हेडक्वार्टर है, और इंडिया का हेडक्वार्टर पूछें तो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट वन इज सोनोग्राफिक सोइंग ऑफ स्नो स्टॉर्म अपियरेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। अब यहाँ पर सोनोग्राफी होती है तो स्नो स्टॉर्म अपियरेंस देखने को मिलेगा, तो किस में देखने को मिलेगा, एब्रप्टो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मोलार प्रेगनेंसी में। जो हाइड्रेटिफॉर्म मोल रहेंगे और जो मोलार प्रेगनेंसी होगी उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, सोनोग्राफी में, यूएसजी में, स्नो स्टॉर्म अपियरेंस। नेक्स्ट वन इज द रिकवरी पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो जो अंगूर के गुच्छे होते हैं दाने दाने से होंगे वो किसमें देखने को मिलेंगे, मोलार प्रेगनेंसी के, यूएसजी में। नेक्स्ट वन इज द रिकवरी पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो जब आप किसी डिसीज़ आपको ऑलरेडी हुई हो, जो साइन सिम्टम्स हो हुए तो क्या, इनक्यूबेशन, और जब डिसीज़ से आप रिकवरी कर रहे हो तो वो पीरियड क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंस पीरियड। नेक्स्ट वन इज रेबीज इज ऑल्सो नोन एज, रेबीज का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, डेमेंसिया या फिर रूबियोला। तो जो रेबीज का दूसरा नाम है क्या है, हाइड्रोफोबिया ऑफ फियर ऑफ वाटर। अब रेबीज का आपको ट्रीटमेंट एग्जाम में आता है, रेबीज का कॉजेटिव एजेंट क्या है, लाइजा वायरस। इसका जो ट्रीटमेंट है 3 कैटेगरी में होता है, यदि जो इन्फेक्टेड डॉग या फिर कैट ने आपको बाइट किया है तो कैटेगरी फर्स्ट कब आएगी, जब ओनली टच किया है, इंटैक्ट द स्किन, कोई भी लीजन नहीं हुए हैं, ओनली लिकिंग, टचिंग हुआ है, तो कैटेगरी फर्स्ट कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी सेकेंड आती है जब इन्फेक्टेड एनिमल ने आपको बाइट किया हो लेकिन ब्लीडिंग ना हो रही हो और स्किन अनकवर्ड हो, तब आपको एंटी रेबीज वैक्सीन देना है और बुंड को क्लीन करना है, जो वाटर, रनिंग वाटर है उसमें आपको साबुन से क्लीन करना है। यदि कैटेगरी थर्ड आती है, स्किन पेनिट्रेट होती है, तो यहाँ पर लिकिंग भी होता है, जो एनिमल्स ने बाइट किया और लिकिंग भी किया है, मतलब कि वहाँ पर चाटा हुई है, तो क्या कहलाएगा, कैटेगरी थर्ड, और इसमें बुंड क्लीन करना, एंटी रेबीज वैक्सीन देना और एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाएगा, कैटेगरी थर्ड में आएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द फाइन डाउनी हेयर विच कवर्स द बॉडी ऑफ द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी की पूरी बॉडी पर जो बहुत ही छोटे छोटे हेयर होंगे, डाउनी हेयर होंगे, वो क्या कहलाते हैं, मॉटलिंग, मिलिया लेनिंग या फिर वर्निक सेजोसा। तो जो चीजी सब्सटेंस से कवर होगी बॉडी वो कहलाएगी वर्निक सेजोसा। मिलिया एक अलग चीज़ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दी है, और जो यहाँ पर कवर अप बॉडी वो क्या है, लेन्यूगो। नेक्स्ट वन इज इन ह्यूमन बॉडी आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन। तो ह्यूमन बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में सबसे ज़्यादा आयरन है जो एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर आयरन स्टोर। अब यहाँ पर आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, ड्यूडेनम पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। अब कौन सा टेस्ट होगा जिससे पता चलेगा कि आयरन प्रॉपर स्टोर हो रहा है या नहीं, सीरम कैल्शियम, सीरम फेरिटिन, सीरम फॉस्फेट या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो टेस्ट होगा आयरन स्टोर का पता करने के लिए वो क्या होगा, सीरम फेरिटिन टेस्ट। नेक्स्ट वन इज मंडे फीवर इज ऑल्सो नोन एज। तो मंडे फीवर किसको कहेंगे, एम्बेगोसिस, एस्टोसिस, सीओपीडी या फिर वायसिनोसिस को।
मंडे फीवर कौन सा कहलाएगा? वायसिनोसिस। अब ये सभी ऑक्यूपेशनल डिसीज के होने वाली प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मंडे फीवर क्या है, बाय कोल्ड डस्ट से जो ऑक्यूपेशनल डिसीज होगी वो क्या कहलाएगी, एंथ्रोकोसिस, सिलिकॉन से सिलिकोसिस, एप्स्टोस, लंग कैंसर, आयरन से सिड्रोसिस, कैन फाइबर से जो होगा वो क्या है, बेगासोसिस, और कॉटन डस्ट से होगा वो होगा वायसिनोसिस। तो मंडे फीवर किसके कारण होगा, कॉटन डस्ट से, टोबैकोसिस टोबैको से, और फार्मर्स लंग से आते हैं तो हे और ग्रैंड डस्ट से। नेक्स्ट इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, तो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होगा, IgA, IgD, IgM या फिर IgG। ब्रेस्ट मिल्क में जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होगा वो होगा IgA, और जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है वो क्या है, ओनली IgG। याद रखना है ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा और जो टीयर्स हैं इनमें क्या होता है, IgA, लेकिन जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है वो क्या है, ओनली IgG। नेक्स्ट वन इज कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड इन इंट्रा यूट्राइन डेथ, यदि इंट्रा यूट्राइन डेथ का मतलब है फीटस यूट्रस में ही डेथ हो जाता है, स्टिल बर्थ है, तो एमनियोटिक फ्लूड का कलर कैसा होगा, कलरलेस, गोल्डन, टोबैको जूसी या फिर सेफ्रॉन। नॉर्मल कलर आता है तो क्लियर कॉन्साइज कलर होता है एमनियोटिक फ्लूड का, लेकिन यदि यही कलर इंट्रा यूट्राइन डेथ, फीटल की डेथ हो गई है अंदर ही यूट्रस में ही, तो क्या है, टोबैको जूसी होगा। यदि सेफ्रॉन कलर का है तो पोस्ट मैच्योरिटी, दैट मीन्स बेबी आफ्टर 42 वीक के बाद डिलीवर हुआ है। ग्रीन कलर है तो मेकोनियम जो बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो प्रेजेंट है। गोल्डन है तो RHI से इम्यूनाइजेशन है, और रेड कलर है तो एब्रप्शन हुआ है, कोई ब्लीडिंग हुई है, हेमरेज हुआ है। टोबैको है तो IUD और इंट्रा यूट्राइन डेथ और स्टिल बर्थ है। नेक्स्ट वन इज अ कंडीशन इन विच एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स इज 5 सेंटीमीटर और लेस देन, दैट मीन्स यदि एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स AFI इंडेक्स बिलो 5 सेंटीमीटर है तो क्या कहलाएगा, पॉलीहाइड्रोमनियोस, ऑलिगो हाइड्रोसेफेलस या फिर न्यूमोथोरिक्स। तो हाइड्रोसेफेलस में तो CSF का लेवल बढ़ेगा, एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स है जो प्रेगनेंसी में होगा, और यदि इंडेक्स 5 से कम है, 5 सेंटीमीटर से कम है तो क्या है, ऑलिगो हाइड्रोमनियोस, और यदि यही AFI इंडेक्स कितना है, मोर देन 25 सेंटीमीटर है तो क्या है, पॉलीहाइड्रोमनियोस। वर्टिकल पूल की बात करें तो लेस देन 2 सेंटीमीटर होगा, और यदि जो यहाँ पर वर्टिकल पूल पॉलीहाइड्रोमनियोस में बात करें तो मोर देन 8 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट इज विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, कोरियन, एमनियन, एओक्सैक या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इनर मोस्ट लेयर क्या है प्लेसेंटा की, यहाँ पर एमनियन। अब यहाँ पर दो सरफेस होती है, एक होती है फीटल सरफेस, दूसरी होती है मैटरनल सरफेस। फीटल सरफेस हमेशा स्मूथ और शाइनी होगी क्योंकि एमनियोटिक मेम्ब्रेन से कवर होगी, और जो मैटरनल सरफेस होती है वो रफ होती है, यहाँ पर कॉटिलेडॉन्स होंगे 15 से 20, जिसके कारण सरफेस क्या होती है, रफ रहेगी। ये रहेगी मैटरनल सरफेस, ये रही फीटल सरफेस जो कि शाइनी देखने को मिलेगी। प्लेसेंटा का नॉर्मल वेट पूछते हैं तो 500 ग्राम होगा टर्म प्रेगनेंसी में, लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम भी दिया और 1/6 ऑफ द बेबी वेट है, तो आपको 1/6 ऑफ द बेबी वेट को मार्क करना है। अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, 2 आर्टरी 1 वेन। अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ की बात करें तो एवरेज 55 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट वन इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी ऑफ डिसीज कॉजेशन इंक्लूड, तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो सबको पता है जो ट्रायंगल होता है उसमें एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। ये रही यहाँ पर एजेंट जो कि कॉज करेगा डिसीज, होस्ट जिसको होगी, और क्या एनवायरनमेंट है, तो वो ये तीन चीज़ें क्या हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड्स के कॉजेशन फैक्टर हैं। नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट्स एंड डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी डिनोट्स टू, कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं एपिडेमियोलॉजी के लिए, रिस्क फैक्टर, टाइम, प्लेस, डिसीजन। तो एपिडेमियोलॉजिकल के लिए डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या हैं, यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में लोगों में डिसीज होने का स्टडी के लिए क्या कहा जाएगा, हेमेटोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, पैडोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी। तो जो डिसीज़ की स्टडी के लिए टर्म यूज़ किया जाएगा पॉपुलेशन में वो क्या कहलाएगी, एपिडेमियोलॉजी। और इसके फादर कौन है, जॉनसनो, एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन है, जॉनसनो। नेक्स्ट वन इज एन आउटब्रेक ऑफ डिसीज अफेक्टिंग लार्ज पॉपुलेशन एक्सटेंडिंग टू वाइड जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज, तो यदि कोई डिसीज लार्ज पॉपुलेशन को बड़े लेवल पर जियोग्राफिकल एरिया को अफेक्ट करती है तो क्या है, कहलाएगी पेंडेमिक। इमेज से इजीली याद रहेगा आपको,
यदि कॉन्स्टेंटली एक ही पॉपुलेशन में, एक ही गांव में कोई डिसीज है तो वो है एंडेमिक और धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है। लेकिन यदि एक गांव से दूसरे गांव में स्प्रेड होने का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है तो क्या है एपिडेमिक। लेकिन जब यदि यही एपिडेमिक बहुत और ज़्यादा अफेक्ट करती है तो क्या है पेंडेमिक, पूरे वर्ल्ड वाइड में होगी। नेक्स्ट वन इज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी इज ऑल्सो नोन एज, तो हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है मुदलियार कमेटी, जो कि 1962 में लाई गई थी। अब हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी आती है तो क्या है भोर कमेटी, जो कि 1946 में आई थी और इसी के तहत PSC को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द कैंपेन डिपिक्टेड बाय द इमेज। यहाँ पर इन क्वेश्चन को मैं ज़्यादा इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं लास्ट के जो 10 से 20 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर जो कैंपेन की इमेज है किसकी है, सर्व शिक्षा अभियान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये है यहाँ पर इमेज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में एक अभियान लॉन्च किया गया था, हरियाणा में इसको लॉन्च किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सर्व शिक्षा अभियान है उसमें तो एक पेंसिल पर दो बच्चे बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कैंपेन है क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे पहले हरियाणा में 2015 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज विच वन इज द रूट ग्रॉस रूट लेवल हेल्थ वर्कर। तो यहाँ पर ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स कौन से हैं, ब्लेज हेल्थ गाइड, डॉक्टर, आंगनवाड़ी या फिर ANC। तो यहाँ पर कौन कौन है, ब्लेज हेल्थ गाइड, लोकल दाई, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा एंड उषा, ये सब क्या है ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स हैं जो कि इनिशियल लेवल पर काम करेंगे हेल्थ केयर में, क्या करेंगे गांव लेवल पर इनिशियल लेवल पर ये काम करेंगे। नेक्स्ट इज इन इंडिया विच वन इज द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो भारत की पहली फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको माना जाता है, सब सेंटर, PSC, CHC या फिर रीजनल हॉस्पिटल। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है अपने इंडिया का, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कितनी पॉपुलेशन के लिए, तो 120,000 से प्लेन एरिया में और 80,000 हिली पहाड़ी एरिया है वहाँ पर। सब सेंटर कितने में, 5,000 प्लेन एरिया में, 3,000 हिली ट्राइबल एरिया में, 30,000 पॉपुलेशन पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा प्लेन एरिया में, 20,000 हिली पहाड़ी एरिया है वहाँ पर। नेक्स्ट वन इज रेड मैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद, तो रेड मैन सिंड्रोम मतलब बॉडी रेड रेड स्पॉट्स शो करेगी तो उसको रेड मैन सिंड्रोम कहा है। किस मेडिसिन से होगा, तो ये होगा वैंकोमाइसिन से, क्लोरामफेनिकोल से क्या होगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम होगा। रेड मैन सिंड्रोम किससे होगा, वैंकोमाइसिन से। नेक्स्ट वन है जो टेट्रासाइक्लिन है किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, तो यह कोलेरा के लिए। नेक्स्ट वन इज इन विच 5-year प्लान प्रोग्राम आशा वॉज इंट्रोड्यूस्ड, तो जो आशा वर्कर हैं किस पंचवर्षीय योजना में लॉन्च की गई थी, तो ये लाई गई थी 11th 5-year प्लान जो कि 2007 से 2012 तक रही है। नेक्स्ट इज अंडर NRHM हु विल बी द लिंक पर्सन बिटवीन कम्युनिटी हेल्थ केयर, कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके बीच में और हेल्थ केयर सर्विसेज के बीच में कौन काम करेगा, लिंक पर्सन होगा NRHM में, तो होंगी आशा वर्कर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ATT एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, कौन सी ATT ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी प्रेगनेंसी में जिसको हम नहीं दे सकते हैं, तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को टेराटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट कर सकती है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन ही ओनली एक ऐसी ATT ड्रग है जो कि इंट्रावस्कुलर रूट से दी जाती है। नेक्स्ट इज फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन अलॉन्ग विथ, और स्ट्रेप्टोमाइसिन से ही क्या होता है, जो 8th cranial नर्व है वो डैमेज होने के चांसेस भी इसी से होंगे। वेस्टिबोकोक्लियर नर्व है वो किससे डैमेज होगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन से ही। नेक्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए का पहला डोज किसके साथ दिया जाता है, मीजल्स वैक्सीन के साथ में ओरल दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देंगे, पीरियड ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो NRHM का पीरियड कब तक रहा है, 2002 से 2010, 2002 से 2012, 2007 से 2009 या फिर 2005 से 2012 तक, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। और अब डेली आपकी क्लासेस रहेंगी जिसमें 50 to 100 MCQs तक रहेंगे, और आज से आपको डेली चैलेंजिंग क्विज रात में 8 बजे ऐप पर भी दिए जाएंगे, एटलीस्ट 30 MCQs तो आपको दिए जाएंगे, ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, ओनली 20 मिनट दिए जाएंगे जिसमें आपको सॉल्व करने होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।